Statutory warning. Cigarette smoking is injurious to health. धूम्रपान एवं मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. कृपया इसका सेवन ना करें. धन्यवाद. जो कि हकीकत है भाई जिंदा ते सुखा ने ये अपनी हत्थी जो अपनी जिंदगी अते जो कौमी संघर्ष लड़िया है वो अपनी हत्थी ये लिख लिखी है. आने वाले सदियों के लिए यह जो अहम दस्तावेज है वो साड़ी सिख कौम का अहम हिस्सा बन जा रहा है. बोले सो फिर जन्म लेंदे संत सूर में मर्द दले लोको मिलते नाल मकदरा को मचाई पिंड रावाले दे पपर शेर लोको ओ जिंदे सुखे
साढ़े जीवन के संघर्ष की कहानी बड़ी लंबी है जड़ी मैं कोशिश कर रहा इन्हों कागज के पन्नों के उतारन की। मेरी माँ का प्यार, मेरा परिवार, मेरे सारे साथी जिन्हों का बड़ा वड्डा योगदान आ सिख संघर्ष विच। अकाल तख्त उत्ते हुए हमले ने साढ़े सारे दे हत्थां विच कलम दी थां बंदूकां फड़ाती हैं। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਲਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜੂ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤਾਂ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਮਝਿਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਦ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਦਨਾ ਹੈ। ਆ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਪਤੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗਈ। ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਬਾਪੂ, ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂ? तेरी नूं नूं बिठाऊं इत्थे? अपनी घरवाली नूं बिठाई, मां नूं ना बिठाई। आ भी काम मैं ही करना हुण उहदे लई। ओ बापू रखे ना तेनूं झूठे देण लई। लै सुन लै अपने लाडले दी, हुण इह साडी उमर है मोटरसाइकलां ते घुम्मण दी। है तेन बिठा के घूमना है। बख्श दे, बख्श दे, बख्श दे बेबे। बीजी, वीरा तो 24 घंटे मजाक करता रहता। ए तो तदो पता लगू जद भरजाई आऊ ते मुंह तो मक्खी ना उड़ांदा। ओ आपा मुंह ते मक्खी बैण ही नहीं देनी। लो जी, क्यों बेबे? बिंदर मजाक ही सोचना है नू। बापू दा कैश ते पुत्र दी ऐश। क्यों बापू? ओ पता है नू उदो लगना है जदो पन्नो हटा के खेती चला लिया, फिर सब भूल जू मोटरसाइकलां दे गेड़े लाउणे। ਉਹ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਜਿਹਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਇਹ ਬਣੋ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਸੋਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਗੇ ਬਾਪੂ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਨਾਲੇ ਰਾਜ ਕਿਦਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 47 ਵੀ ਸੀ। 47 ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਢਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਾਕਾ 147 ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਖਡਾਉਣਿਆ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਖਡਾਉਣਿਆ ਨਾ। ਬਾਜਵਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਗਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰੇ ਦੀ। ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਆ ਬਈ,
दरबार साहब तो आया, संतां ने भेजिया। जिहड़ा स्कूटर तुसी फड़िया ना वह साडा है, वह लै जाओ लै जाओ। स्कूटर दे नाल नाल आउण जाण दा किराया भी चाहीदा। हुण तां नौकरी करनी भी औखी होई है। तूं इत्थे की करदा? चल कुछ नहीं, कहिंदे रिश्तेदारी कढ़नी है। बाजवे हुण पता लग्गिया किहदे प्यो दा राज है। क्यों कम गया लत्तां? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी ये खालसा कालज वाला चंगेड़ा ते ओ है दूसरी पार्टी वाला मुंडा। सुनिया तू बड़ा बहादुर है, किसे तो डरदा नहीं, पर हुण धौण उपर नहीं चुकदा। मां पुछो ऐद की माफ कर दो, अगे तो गलती नहीं हुंदी। अजे तो प्यार ना मारिया, जे गुस्से ना मारिया हुंदा तां तीर दूरा हो जाणा सी। ओ कमले ओ आपस विच भरा भरा क्यों लड़दे हो? जे लड़ना तां जुल्म दे खिलाफ लड़ो। अपने लई तां हर कोई लड़दा, जिहड़ा दूजिआं दे हक्कां लई लड़दा ओ सूरमा ते कौम उहनां नूं हमेशा याद रखदी है। बाबा जी अज तो जिंदे दी जिंद तुहाडे लिखे, एक बार आवाज मार के देखियो, जिंदे दी पिट्ठ नहीं दिखोगी तुहानूं। सत श्री अकाल जी। जिंदे मैं तेरे नाल एक गल करनी चाहुंदी आ। हां जी दसो की गल है। मैं अपनी जिंदगी दा सफर तेरे नाल गुजारना चाहुंदी आ। मैं कुछ समझिया नहीं। मतलब जिंदगी दी गड्डी नूं चलाउण लई दो पहियां दी लोड़ हुंदी है। मैं चाहुंदी आ असीं दोनों ब्याह करा लईए। मेरी मंगनी हो चुकी है। हैं? मंगनी हो गई? ओ खुशनसीब कुड़ी है कौन? देख मैं तेनूं उहदा नाम ते नहीं दस सकदा, पर मेरे विचोले तीर वाले संत ने ते मैं अपनी जिंदगी कौम दे नाल आती है। माफ करना। मैं क्या जी ऐतका फसल आई तो मैं उपर चुमारा पाके मुंडिया दा व्याह कर देना। ओ एता फसल आया ते पता लगना है की वधदा है ते की घटदा है। ओ वधू वधू बापू क्यों ना वधू। हाँ। नाले हुण भी ते खेता तो आया वधेगा, वेखी जा तू। नाले मेरे व्याह दी नहीं वीरे दी व्याह दी चिंता कर। नाले मुंडा दे ओ भी हुण जोगा। चलो ए खबरदार जा किसी ने हरकत की थी ता रुको ए ते भजदा गोली मार दू फड़े नु ए। फड़े नु ओ तेनू क्यों खुआ के तकड़े कीता ते तक्का ते भज जा। चलो ए ओ थानेदार आखिर मेरे बच्चे का कसूर की है? तैनू नहीं पता डीआर भट्टी ने हमला किया इन्होंने। चलो ए तैनू मैं दसदा इहदा की कसूर आ। चलो जिंदे करो फिर प्रौने की खातरदारी। गल दस ओए
ਭੱਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੇਖ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਵੀਰਾ, ਉਧਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਵਿਖਾ ਰਹੇ? ਓਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੇਰੀ ਚਮਕ ਬੁਝਾ ਦਈਏ ਚੰਗਿਆੜਿਆ। ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਦੋਂ ਬਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਂਬੜ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਿਆ ਦੇਣਾ? ਜਿੰਦਾ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਰ ਲਾਂਦਾ ਪਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁੱਕਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪੁੱਤ, ਲਿਆਓ ਪਟਾ। ਚੱਲ ਓਏ, ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਤ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਪਟਾ ਚੱਕਿਆ ਉਧਰ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ। ਹੈਲੋ। ਚਲ ਓਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਸ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਓਏ ਕਾਕਾ, ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਤਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਨਾਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ? ਕੀ ਗੱਲ, ਆ ਗਿਆ ਤਰੇਲੀਆਂ? ਕਿਤੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਦਾ ਸੇਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਖੋਲਦੇ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁਲਸੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ। ਭਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਫੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਵਗਦੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜੂ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਰੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਛੱਡ ਚੱਲਿਆ? ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀਰ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਵੇਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੀ ਵੀਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਮੇਮ ਨਾ ਲਿਆਈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਕੰਮ ਚ ਨਾ ਨਾ ਪਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਵੱਟਿਆ ਹਰਾਮ ਤਿਆ ਤੇਰੀ। ਛੱਡੋਏ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ? ਓਏ ਤੂੰ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ,
तैं की लेना है? गरीब ते बेसहारे नाल तक्का हुंदा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जा बड़ा हमदर्दी तेरी ओ बड़े बदमाश दी। ओ ना लड़ो बस करो ना लड़ो भाई। मेरे ते आ गया रोब मारन। जे एडा वड्डा सूरमा है ते अपने भरा दे कातलां तो जाके बदला ले। सवेर दा गया होया सुखा, पता नहीं किथे गया होया, अजे तक नहीं आया। सरों वड्ढन वाली पई आ, जे दो दिन ना होर वड्ढी तां कर जानी आ। चल कोई ना, तुसीं एवें ना बोलिया करो, पढ़ाई दे नाल नाल उहनूं घर दे कम धंदे दा वी फिकर आ। आ लो रोटी, तुसीं जाओ खेत नूं। ओए आए तां कम कर करदा, मैं कहड़ा कहिंदा वी कम नहीं करदा, सियाणा समझदार आ, मैं तां सरों करके गया। आ लो बेबे, बेबे तुहानूं 20 वारी कहा है तुसीं सुखे दा विआह कर दो, घटो घट नूह राणी तां तुहाडे कोल रवे। आलो सुखा भी आ गया, आ जा पुत्र आ जा। बेबे मैं लोकां दे ताने सुन सुन के अक गया कि मैं अपने वीर दी मौत दा बदला नहीं ले सकता। पुत तू लोकां दीआं गल्लां च ना आ, लोकी ते किसे रोटी खांदे वेख के इंजरदे, तू अपने पढ़ाई च ध्यान दे। लोकां दीआं गल्लां मेरा कालजा चीरदीआं ने, मेरे मन नूं शांति उदों आऊगी जदों मैं अपने वीर दी मौत दा बदला लऊंगा। पुराने जख्म ना चिड़, जे कम करना हुंदा मैं भी कर सकदा सी। पुत गुस्से च कर उजड़दे आ, वसदे नहीं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, की हाल है भाई? ठीक हां। सुखे मैं तेनूं कल करन पर उड़ीकी गया, तू आया ही नहीं। मैनूं घरे कम सी, तू दस किवें आया? मैं दरबार साहब चलिया, तू भी नाल चल, नाले संतां दे दर्शन करे आवांगे। जा पुत्र जा गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जाके मन नूं शांति मिलदी आ। बेबे मैं सरों वढ़नी। सरों मैं आपे वढ़ लूं। हाँ। जा चंगे पासे जाना, मैं आपे कर लूं कम, तू जा। ओ मैं आ जा, जा यार जा, चलिए आपां। चंगी गल आ जे गुरु घर चलिया गया, मन नूं टिका मिलूगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप भी संगो किवें आए? बाबा जी ए मेरी मासी दा बेटा सुखदेव सिंह सुखा, तुहाडे दर्शन करन वास्ते आए आ। दर्शन तां गुरु ग्रंथ साहिब दे करने आ, मैं तां गुरु घर दा सेवादार आ, लाई सेवा निभा रहा। बाबा जी साडे ते मेहर करो, साडा जीवन सफला करो। परमात्मा दी मेहर तां सब ते आ, पर जिहड़े गुरु दा हुक्म मनदे ने वाहेगुरु ना तत्ती वार नहीं लगन देंदे। बाबा जी मैं अपना सारा जीवन तुहाडे चरणां च गुजारना चाहुंदा, मेरे ते किरपा करो। सिख कौम ना हर पक्षों न्याय हो रहा है, सरकारां ते गलत ताकतां नौजवानां नूं गमराह करके सिक्खी तों दूर लिजा रहीआं। साडा मकसद उहनां नूं सही राह दिखा के केवल गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाउणा, साडे गुरुआं दे सिधांतां ते अमल करदे होए इस राह ते चलदियां, ना किसी दा जुल्म सहना ना किसी दे जुल्म करना। पै काहू को दे तिना नै पै मान तान। बाबा जी अज तो मैं थोड़े दर्शाए हुए मार्ग ते चलांगा, बस अपना आशीर्वाद मेरे सिर ते रखियो। बहुत चंगी गल है, वाहिगुरु कृपा करनगे। जाओ हुण लंगर छको ते गुरबाणी सरवण करो। ਲੈ ਪੁੱਤ ਪਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੋ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਦ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ ਪੱਲੇ ਜਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀਰੇ ਓ ਭੈਣੇ आ गया मेरा पुत हुण मैनू कुछ नहीं चाहिंदा मां दी आंदरा बुलाण ते मैं ना आवां किद्दां हो सकदा वीरे तेनू तां मां तरसी पई सी ना कुछ खांदी सी ना पींदी सी हुण तू आ गया देख तां मुँह किवें गुलाम वांगू खिड़िया पिया ले हुण मैं आ गया मां नू आपे खवा लूंगा ले बीबी हो गया तेरा लाडला सिंगापुर सेट ओ भैया मैं भावे सिंगापुर सेट नहीं होया मैनू लगदा तू इत्थे पक्का ही सेट हो गया है जद गया सी उदों भी इत्थे ही सी जद आया उदों भी इत्थे ही बैठा ओ मैनू तां पहला ही पता सी कि मां दे लाडले ने उत्थे जी कित्थों लाउणा है ओ तैनू की पता वीरे मेरी मां दे चरणां च जन्नत है जन्नत बेबे मैं गुरुद्वारा साहब जाके आना हाँ पुत जाया छेती आ जी मैं क्या जी जदों तक अपना सुखा राजू नाल दरबार साहब जाके आया ये तो पाठ पूजा ही बड़ी करन लग गया हाँ एकदम ही बदल गया लगता गुरु रामदास जी ने कृपा करती अखा च भी लाली चलक दिया आहो जी नाले संतां दे बोल कदे व्यर्थ नहीं जाते जदों छोटा सी ना ते अपने घर एक संत आए सी थोनू मैं दस्या सी ना हाँ तू दस्या ता सी भई ओ संत कहिंदे सी इन्हें अपनी सेवा नहीं करनी गुरु घर की सेवा करिया करू हाँ हुण जदों इहनू मैं पाठ करते देखते हैं ना मेरे कलेजे नू बहुत ही ठंड पैंदी है साडा बच्चा इन्नी छोटी उम्र च ओ गुरु दे लड़ लग गया ते इस तों ते साडे वास्ते होर किहड़ी गल हो सकदी है नाले दरबार साहब तीर वाले संतां दे दर्शन भी करके आया मैं सुनिया कहिंदे भई संत जी ते मेहर भरी नजर कर देना उहदी जिंदगी बदल दिंदे आ चल चंगी गल आ गुरु घर सेवा करे साडा बच्चा ते साडे वास्ते इस तों उत्ते खुशी वाली गल किहड़ी हो सकदी आ दिल्ली के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठती है तो वो सिखों के अकाल तख्त से उठती है वहां पे सिख जत्थेबंदियों का दबदबा है और उनकी आवाज दबाने के लिए हमें गोल्डन टेंपल पर अटैक करना पड़ेगा इस पूरी कार्रवाई में कोई भी बच्चा बूढ़ा और औरत सामने आए तो उसे गोली से उड़ा दो और इस कार्रवाई दौरान पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा होगा और पूरी दुनिया से इसका संपर्क काट दिया जाएगा गोली मारन दे हुकम दिते गए हन दुष्टो तुहाडा कख ना रहे तुसी तां मुगलां नालों भी टप गए फौज तां देश दे लोकां दी रक्षा लई हुंदी है तुसी तां अपणिआं नूं मारन लग पए ओए कंजरो गुरु घर ते भी हमला करता दिल्ली सरकार दे दिन हुण नेड़े आ गए ने हुण नहीं छड़दा सालिआं नूं वीरा किथे चला दुध तां पी लै सवेर दा कुछ नहीं खादा तू वे जिंदे गल सुन मेरी वे जिंदे कुछ पुट्ठा सिद्धा ना कर बैठी एहो जी खबर सुन के गर्म खून ने तो उबाला खाना ही सी ऐसे डरो मैं इनू बाहर भेजिया सी हुण पता नहीं है की करूं सुखे ओए सुखे ओ की हो गया तेनू इन्ना साह चढ़ाया
तैनू पता है दरबार साहब ते अटैक हो गया। और तेरा दिमाग ता ठीक आ की बोली जाना तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा। नहीं टले उन्ना बुझ दलाने उही काम करता जिदा डर सी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे नगर निवासियों नूं बेनती की जाती है कि श्री दरबार साहिब उत्ते फौज ने अटैक कर दिता है। सारे भैन भरावां नूं बेनती है कि वह पिंडों बार कट्ठे होण ताकि आपां सारे दरबार साहिब विच पहुंच सकीए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पिंड वालियो साडे गुरु करते फौज ने हमला किया है। साडियां भावनावां नाल खिलवाड़ किया गया है। इत्थे हुण हाथे हाथ धर के बैठण दा समां नहीं है। यह साडी इज्जत दा सवाल है। उठो चलो दरबार साहब बोले सो निहाल। जी सर। बोले तुसी लोग अगे नहीं जा सकते। तुहानू नहीं पता कि सारे पंजाब च करफ्यू लगा है। तू कौन होना है सानू रोकने वाला? असी नहीं डरते किसी करफ्यू कुरफ्यू तो। असी अपने दरबार साहब जाना। दरबार साहब ज्यादा गर्मी ना विखा जवाना, चुप चाप वापस चले जाओ नहीं तो थाने बंद कर दो सारे। तू थाने च बंद करने की गल करता होए? असी आप दे सिर तक कफन बन के आए हैं। कफन साढ़े दरबार साहब ते फौज ने हमला करता ते असी अपने घर च बह जाइए मुंह लगा के। बोला सोनिहाल। देखो मैं तुहाडे जज्बातां दी कदर करदा, तुसी साडी गल भी मनो। ओ चुप करो, असी नहीं सुननी कोई तेरी गल। जाके पहला अपनी सरकार नूं सुना जिन्हें दरबार साहब ते फौज चढ़ाई है। सारे पासे फौज लगी हुई है और उन्होंने गोली मारन दा ऑर्डर है। तुसी मेरी गल मनो ते सारे जाने वापस चले जाओ। इन्हां दी गल ठीक है जिंदे, मौका आने ते सब कुछ करांगे, हुण सानू वापस चलना चाहिदा। मैं नहीं जाना वापस, तुसी जाना जाओ, मैं दरबार साहब जाना ही जाना। नहीं जिंद, सियाने की गल मनी दी, आपां वापस चलीए। अज ते मैं तुहाडे आखे लग जाना पर दरबार साहब मैं जाना ही जाना। लिया बिंदर रोटी लिया नी? आ लो बापू जी रोटी, लो खाओ। पिछले कई दिनों तो सिखां दे धार्मिक स्थान श्री अमृतसर विखे फौज अते अतवादियों विचकार चल रही लड़ाई अज उस समय रुक गई जद फौज ने दमदमी टकसाल दे मुखी जरनैल सिंह भिंडरांवाले नूं उन्हां दे हथियारबंद साथियों समेत मार मुकाया। एक बार फिर सोच ला पुत, ये राह बहुत औखा है, सोच समझ के पैर पट्टी। मैं सब कुछ सोच समझ के कर रहा मां, थोनू तो पता ही है कि साड़ी कौम ते किन्ने जुल्म हो रहे ने, ते इन्हां जुल्मां नूं रोकण लई सानू नौजवानां नूं अगे आउणा पऊगा। साड़ी कौम ते हो रहे जुल्म नूं तां मैं समझदा पुत, पर सरकारां नाल मत्था लाउणा बहुत औखा। बापू जे चमकौर दी कड़ी विच 40 सिंह 10 लाख मुगलां दा सामना कर सकदे ने, दरबार साहब विच 700 सिंह हमला करन वालियां दा नक मोड़ सकदे ने, तां असी क्यों नहीं कर सकदे? लोकां नूं एकजुट करन लई किसे ना किसे नूं तां अगे आउणा ही पऊगा। वीर जी तुसी चले हो, असी तेरे नाल सहमत हां पुत, असी अपने सीने ते पत्थर रख के तेनू तोरन लई तैयार, पर देखी कि ते गलत कम करके मां दे दुद्ध नूं लाज ना ला दी।
जा पुत जा, ते गुरु दे सिंघां वाला फर्ज निभा। धौण कटा दी पर धौण झुका के वापस ना परती। चंगा मां, जे मुड़े आया तां तेरा, नहीं ते कौम दा। आला पुत, दूध पी लै। की गल है पुत्र, तू बड़ा उदास रहन लग पया। बीबी जालम सरकार ने अत करती, धार्मिक स्थानां नूं नहीं छड्डिया, साडा हरिमंदर साहिब टैटेरी करवाता। तू फिक्र ना कर पुत्र, जिन्हें भी गुरु घर नाल मत्था लाया वह ज्यादा देर नहीं जी सकिया। बीबी चाहुण तां हुण असीं भी नहीं दांगे उन्हां नूं। तू वेखी जा बीबी, ये सरकार दियां जड़ां हिला देंगे जड़ां। साडा इतिहास कुर्बानियां भरिया है, इत्थे बंद बंद कटवाना पैंदा ते चरखड़ियां ते चढ़ना पैंदा। वेखी पुत्तर, किते थिरक ना जाई। क्यों फिकर कर दी है बीबी, तेरा आशीर्वाद ते वाहिगुरु दा हथ जिंदे दे सिर ते है, तेरा जिंदा नहीं थिड़कदा। ओ पीरो, अपना तां मरन हो गया है। फौज ने अकाल तख्त साहब नूं ढेर ढेरी करता। हां भाई, खबरां च इह गल मैं भी सुनी है। ओ मैं तां अखी देख के आया आपते, दरबार साहब दी परिक्रमा दा रंग खून नाल लाल होया पिया। मैं तां इह भी सुनिया वीर कि गुरु साहब दी भीड़ नूं गोली लगी है। गोलियां ही नहीं वीरे, टैंक वारे बेदरदा ने टैंक। मैं दरबार साहब जाके आया, चारों पासे गोलियां ही गोलियां। उत्थे खड़ के ना साडे भैण भरावां दीआं चीकां दी आवाज़ां सुणदीआं मैनूं। साडा अकाल तख्त उन्हां ने ढाता वीरे, नाले संतां दे भी शहीद होण दी खबर सुणी। नहीं, ये नहीं हो सकता, झूठी है खबर, झूठी है खबर। ये हुण सबर दा बन टुट गया सुखे, जिहड़े दरबार साहब दे विच असी पैर धो के सिर ते कपड़ा बन के जाने आ, उत्थे टैंक वाड़े उन्होंने। साढ़े सिख होने का की फायदा यार, असी अपने दरबार साहब वास्ते कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया, जिहड़े लोगों ने आ कम किया ना, मैं उन्होंने सोधांगा, नहीं छड़दा, भावें मैं रवां भावें ना रवां। वीरे जे जाना है ते अणख नाल, ते जे मरना है ते धर्म वास्ते। बस्ती वालों, आप मेरी बात मानोगे? जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे? बस्ती वालों, ये बैठने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। सिखों ने हमारी माँ इंदिरा को मार डाला है, अपने घरों से निकलो और सिखों से बदला लो। उनकी औरतें, उनकी बीवियां, बच्चे, बूढ़े सबको जिंदा जला डालो। उनके घरों को लूट लो, औरतों और लड़कियों को नंगा करके मारो, नंगा करके। उस 31 अक्टूबर की घटना तो बाद सिखां ते होए अत्याचार नूं देख मैं सुखे ते साडे सारे साथियों ने दिल्ली जाके उन्हां दुष्टां नूं सोधन का मन बनाया जिन्हां ने निर्दोष सिखां ते अत्याचार किते सी, ते उहदे लई असी हथियार कट्ठे करने भी शुरू कर दिते। ओ वीर, बैग च की लैके आए हो? ओ बैग च मैं कड़ा डबल रोटियां भर के लियाउणियां सी, मर्दां दे गहने आ, गहने। गहने? एड्डा बैग गहने दा भरी फिरदे हो? ओ मर्दां दे गहने तां हथियार ही हुंदे आ, जिन्हां नाल मर्दां दी टौर बनदी है। आ चको भाई। कमाल ही करती बाई जी, विधि चंद वांगू राजा दे महल च घोड़े कढ़ी लैंदे फिर तुसी है, ते हुण इन्हें घोड़ियां ते चढ़ के ना
ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਲਿਆਤਾ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਮਸਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝਾੜੀ ਪੁੱਟਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ। ਜਿੰਦੇ ਔਰ ਸੁੱਖੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਲੀਆ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ? ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਝੁੱਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰਿਆ, ਭੇਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਚਾਣੇ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ। ਕੀ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਹੀ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ? ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਚਲੋ ਬਾਈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਕੈਸੇ ਆਪ? ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ। ਭਾਗ ਧਨ ਹੋ ਗਏ ਹਮਾਰੇ, ਆਪਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਾਮ ਕਰਵਾਨਾ ਥਾ ਆਪਸੇ। ਕਹੋ ਕਿਆ ਕਾਮ ਹੈ? ਵੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਨਾ ਥਾ ਆਪਸੇ। ਅਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾ, ਪੈਨ ਕਿਉਂ ਨਿਕਾਲ ਰਹਾ ਹੈ? ਫਾਰਮ ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਕਰ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਆਹਾਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਤੋ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਨੇ। ਕਿਆ ਸਿੱਖੋ ਕੋ ਭਗਾ ਭਗਾ ਕੇ ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੇ ਮਾਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚਲਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੇ ਸੇ ਸਿੱਖੋ ਕਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਤਾ। ਮਰ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸਿੱਖ। ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭੱਜ। ਤੂੰ
कर दो, मुझे माफ कर दो। पच होना तुम कैसा कहोगे? किथे पचेगा मौत तो बच के कुत्तिया। माफ कर दिए। ये ड्राइवर क्यों नहीं आया अभी तक? ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਪੰਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਓ ਚੱਲ ਇਥੋਂ ਫੌਜੀ। ਓ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਆ। ਨਾ ਜਦ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਓ ਨਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ। ਓ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। चलो, मैनू लगता यही जिंदा है। मामे कित्थे खड़े ने अज? सलाम सब। बैठिए, मैं देखता हूं। पुलिस की गिरफ्त से कोई नहीं बच सकता। बता क्या नाम है तेरा? विजय कुमार। विजय कुमार, जिंदा के बारे में क्या जानते हो? कौन है वो? जिंदा मैं ही हूं। तो तू है वो आतंकवादी जिसकी तलाश में पूरे हिंदुस्तान की पुलिस लगी हुई है। तू तो हमारे कंधे पे लगने वाला स्टार है। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। बता दे तेरे कितने साथी हैं, कहां रहते हैं वो, मर्डर कितने किए हैं तूने? शेर देखा है तूने कभी? हाँ बिल्कुल देखा है। हम गुरु गोबिंद सिंह के वो शेर हैं जिन्हें तो पिंजरे में बंद नहीं कर सकता। ओए, हम भी की संतान हैं, तो देखते हैं आज तेरा गुरु तुझे कैसे बचाता है। तो ठीक है फिर, अगर तूने जिंदे की जुबान से वाहेगुरु के अलावा कुछ और बुलवा लिया तो तू मर्द का बच्चा है, नहीं तो साले कुत्ते का पिल्ला। कुत्ते का पिल्ला। फाड़ दो टांगे साले की। वाहेगुरु, वाहेगुरु। वाह।
का पिल्ला। चल खड़ा हो। गुरु गोबिंद सिंह की औलाद है, इसको दिखाओ हमारी थर्ड डिग्री कि हम क्या कर सकते हैं। जोर से दबाओ। तोड़ दो साले की हड्डियां। क्यों आ रहा मजा? गुरु गोविंद सिंह की औलाद देख लिए किरण? इंस्पेक्टर ये ऐसे नहीं मानेगा। मैंने सिखों की हिस्ट्री पढ़ी है, इन्होंने बंद बंद कटवा दिया था और खोपड़ियां उतरवा दी थी और जिंदा सूली पे चढ़ गए थे, उफ तक नहीं की थी। इसमें उन्हीं का खून है, हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। जिंदे दा फड़े जाना अपनी लहर लई बहुत वड्डा घाटा सिद्ध हो सकता है। पुलिस वीर तो भेद खवाने लई टॉर्चर तो बहुत करदी होनी है। जिंदे नूं मैं चंगी तरह जानता, वह बड़ा मास्टर माइंड है। पुलिस जिन्ना मर्जी जोर ला लवे पर उहदा मूंह नहीं खुला सकती। लगता है जिंदिया पुलिस वालों पागल बनाने लिए आप पागल बनना ही पैना है। हो जा शुरू फिर। डॉक्टर इधर इधर। हाँ बोल। एक गल दसा कैंट बापू है ना, बापू बापू महात्मा गांधी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ 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 ਸੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ, ਅਡਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਅਡਵਾਇਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਇਧਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਧਰ 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 ਇਧਰ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਿਟਲਰ ਹੈ ਨਾ ਹਿਟਲਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। जाओ साले बनाता फुद्दू तुहानू। हेलो डॉक्टर। हेलो, आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या प्रॉब्लम है? आप इसे चेक करो। ओके। ये दो दिन से पागलों की तरह बातें कर रहा है। जी हाँ भाई, क्या हाल है? कार्ड मिल गया, शादी का कार्ड मिल गया ना? शाम को आ रहा है ना? मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। आ रहा है ना शाम को? शाम को आ रहा ना भाई? हैं? शाम को आ जा। शाम को। डॉक्टर क्या देखा आपने? आपने इसको अनिद्रा तो नहीं रखा? हाँ, काफी दिनों से अनिद्रा तो है। मेरे हिसाब से इसको आराम की सख्त जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। वाह भाई जिंदे, बनाते ना पुलिसिये बुद्धू, लगे रहो हुण। ओके, ये सब टाइप कर दो। ओके ओके जी। अजिंदा जी। नमस्ते। नमस्ते। बैठो शिंदा सिंह। यहाँ पे? यहाँ बैठो। चाय लेके आओ। भाई मिठा थोड़ा तेज है। जिंदा आप मर्डर क्यों करते हो? ये भी आपको बताने की जरूरत है? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ बताओ तो सही। 1984 में हमारी माँ और बेटियों को घरों से निकाल निकाल के मारा गया, उनकी इज्जत लूटी गई,
क्या जुल्म हुआ है और दिल्ली सरकार ने हमारे लिए किया क्या है? आज तक एक भी ऐसे इंसान को पकड़ के सजा नहीं दी जिसने ये किया है, इसलिए हम खड़े हुए हैं। आपको एक और बात बता दूं सर जी, अगर हमारी सिख कौम खड़ी हो जाए ना तो 24 घंटे में एक नया देश खड़ा कर। मैंने सुना कि आप बहुत मास्टरमाइंड हो, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? आपको जिंदे का प्लान जानना है? एक बात बताता हूं सर, मैं तो समय और जगह देख के प्लान बनाता हूं, बाकी मास्टरमाइंड तो ऊपर वाला है, अपने आप भेज देता है प्लान सारे। तो चलो ठीक है, हम भी आपको गुजरात लेके चलते हैं, वहां पे देखते हैं आपका प्लान। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिंगो, जिस वेले दा सानू बेसब्री ना इंतजार सी, वो वेला आ गया। वीर जिंदे नू छडाउण दीआं तैयारियां करिए। हाँ वीर, लगदा हुण कोई ना कोई प्लान तां बनाउणा ही पऊ। बाई जी, मैं कहना प्लेन बनाउण ते टाइम बहुता नहीं लग जो, आपां अगवाई कर लैणे आ, नाले बाद चो अपने काम आ जाया करो। चुप ए, साला काले भूंड ते कदे चढ़िया नहीं गल प्लेन दी करदा। ओ मजाक दी गल छड्डो यार, काम दी गल करो, नाले सुखा नहीं आया। मैं बाई नरभै नूं मिल के आया, वो ते पाजी इंदरजीत जिंदे दी मुलाकात करके आए ने जेल च। जिंदे ने यह सुनेहा लाया है कि जदों भी गुजरात की पुलिस उसनूं अदालत विच पेश करने लेके जांदी है ना, तां उन्हां दीआं बंदूकां खाली हुंदीआं ने। जे उन्हां दीआं बंदूकां खाली हुंदीआं, साडीआं तां भरीआं हुंदीआं। फिर ते बाई मैं आना लोहा गर्म आ, मार दिया है थोड़ा। हाँ क्यों जी, देह शिवा पर मोहे है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न टरो अरसो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। नमस्कार सर, ये खुलवा दो हथकड़ी वगैरह, मैं कौन सा डाकू हूं? ओ खोल दे हथकड़ी यार। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत बढ़िया इंसान हो आप। मेरे ना एक रिश्तेदार हैं यहाँ पे, उनका पंजाबी ढाबा है, कमाल का पंजाबी खाना बनाते हैं, गुजराती तो रोज खाते हो, आज पंजाबी खिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे चलो साहब, खाने के साथ में पीने का भी इंतजाम है। लेकिन इस खाने के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। नहीं नहीं, क्यों पता लगेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। अरे चलो यार चलो। भाई हरिंदर सिंह जिंदा नूं चढ़दी कला वाला जेल बख्शना, सिर ते मेरे पर हाथ रखना, अंग संग होके सहायता करनी। समूह नगर निवासी वालों पावन हजूरी विच कड़ा प्रसाद देख सदके हाजिर है, आप दिन गुरबान होवे, कृपा बख्शिश करो जी, पावन पवित्र हुक्म बख्शो, संगतां नूं निहाल के अरदास करो, सेव प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित्तिया वै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत। सत श्री अकाल जी। चलो चलिए आप बैठिए, बैठो भाजी बैठो। ठीक है जी, रोटी खवा दी इन्हां नूं, मैं अगले हफ्ते छुट जाना। अच्छा वा अच्छा। उपरों फोन आया। अच्छा, तुसी जो मंगदे खवाओ। ओ काका दे वी इधर। हां
खाओ तुहाड़ा प्यो खवा रहा अज जी भर के खाओ अज जिंदा तुहाड़ी है ओ जी सेवा करू कि सारी उम्र जिंदे दी सेवा नू याद रखोगे मैं जरा उन्होंने पूछ के आना होर की चाहिए तुसी बैठो अच्छा अच्छा जाया जाया इंस्पेक्टर साहब खाना जोई छे नहीं नहीं ठीक सा पैकडा फ्रूट जोई छे फ्रूट 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 मंगा दो जी फ्रूट चाहिए से हां ले आ वाह मैं लेके आता हूं ये लो जी हाँ भाई हाँ जी केले कैसे हैं किन्नू कैसे हैं 60 रुपए दर्जन बाबू जी चल केले डाल दे फिर हाँ जी संतरा वो भी डालना है बाबू जी डाल डाल जो भी है ठीक है बाबू जी फ्रूट लेके आया नहीं यार अरे बाबूजी केले तो ले जाओ वाहगुरु ने अपनी अरदास सुन ली है मैं हुणे रेडियो से खबर सुनी है कि जिंदा जेल चो फरार हो गया आया नहीं जिंदा शेर बड़ा समा लाता हूं तक तो आ जाना चाहिए सी उन्हें पता करो भी सिंगो जिंदिया तेरे बिना तो ए लगता सीगा जिवें शरीर च जान ही ना होवे क्यों भाई शेरां नूं जेड़ां दियां कंधां नहीं ढक सकदियां आ गया ना कंधां तोड़ के जिंदे तेरे बिना तो अपना मिशन अधूरा जिहा ही लगता सी पर हुण तू आ गया साडा सारिआं दा खून वध गया ना कल्ला कल्ले जाके नानकी बह गया लगदा मामे ने चंगी सेवा कीती है तेरी तू भी लाया 2 महीने तेनू बड़िया गल्लां आंदियां ने हैं ओए जिद्दां उत्थे बड़ी सेवा हुंदी है जा जा देख ला जाके केड़ी चूरी खवांदे ने ओ हां वीर अब बेदी ते उहदे मुंडे ने बड़ी हत्थ चुकी है सैशन जज भी बड़ा ही कुत्ता है पता नहीं किन्ने सिंगां नूं 10-10 साल दी सजा बिना किसे सबूत तों सुणा चुका है हां इको डाक्टर काली चरण कुत्ता पैंटा दीना बड़ा कमीना लगदा उहदा मैनूं टौटपुणा बंद कराउणा ही पैणा नाले आई जी कटोच नूं भी सोधना ही पैणा बड़े झूठे मुकाबले बना रहा ओ फिर देर कादी है भाई ला देने झड़ी नाले मेरे तो पहले ही हाथ बड़े काले ने घोड़े दी लगाम फड़न नू ले फड़ घोड़ा ते मार अड्डी चेयर्स हां भी फिर की जवाब दिता उन्हें भाई जी उन्हें तो साफ इनकार करता तुहाडे नाल फ्रेंडशिप करन नू ओदी ए मजाल मैनू लगदा सी कि ओ सीधी उंगल ना निकल जू पर लगदा अंगल टेढ़ी करनी पैनी आ ओ लगदा ओनू बेदी बाई दे अंकल जी दे गुस्से दा नहीं पता हां भाई इलाके च ता पूरी दहशत आ सारे डरदे ने उत्तों ओ ओए अंकल जी ने ता पहले ही बहुत खाड़कू मारे होए आ खाड़कू नहीं अत्तबादी के अत्तबादी आ कौन चले ओए हत ता पुत्र तेरे प्यो ने चुकी है किथे तेरा प्यो सोच समझ के हाथ पाई ओए बेदी दा पोता मैं बेदी दा तेरा प्यो पंजाब दे नौजवानां दे झूठे मुकाबले बना के मारदा ते तू
तू लोकां दियां तियां पैणा नाल बदतमीजी करदा है। मैं दसदा चलो मैं कौन हां चल चिड़ी किन्ने सिंघां नूं नजायज तू सजा देती ना होए पुछदा मेरा की कसूर है मैनूं माफ कर दिओ चुप कर एसपी पांडे दे केस विच तू ही 10 साल दी सजा सुनाई सी ना मेरे तो गलती हो गई जी मैनूं माफ कर दिओ माफ कर नहीं तेरा इंसाफ करना है अज तैनूं एह जी माफी देंगे कि तू अगे नूं कोई गलती नहीं करेगा कुत्ती दे कतूरे वांगू पिछे पिछे फिरदे होए चलो पिछे मुड़ जाओ सिंगा ते तशद्दुद करता सी हुण अपना हशर वेख काला बड़ा है एक ता तू गल ता कर लेंदे अगर इना टाइम थोड़ी भाई चल बैठ सत श्री अकाल जी लो वीरे जिन्ना ने पंजाब च अग चक्की सी उन्हां दा तां पढ़ता कीर्तन सोहला हुण अगे दसो की प्रोग्राम है प्रोग्राम कहदा यार सुखे इहदा ड्यूटी है ड्यूटी जिहड़ी अपनी लगी है ते अपनी सब तो वड्डी तां ड्यूटी हैगी है उह सप नूं खुड़ च कढ़ना जिहड़ा हुण पूने लुकिया बैठा है भाई जी फिर मैनूं दिओ हुकम मिठी मिठी जी बीन बजा के कड्डा नू बाहर ते पन्ना मैं ओदे जहरीले दंद ओ देखी देखी पानी ना डोल दी राखे नू ओए तू हर गल मजाक च ना करया कर जेडे दुष्टी असी गल कर रहे हैं ना उसने हजारा बेदोशे सिखां दा कतल
ते श्री दरबार साहब की बेअदबी की। हाँ वीर जिंदे, तुसी जाओ पुणे ते पंजाब दा गंद असी हुण जांगे। भाई जी, पंजाब च थोड़ी जगह मेनू भी दे दो सफाई करन। मैं तां कदों दा झाड़ू चक्की फिरदा, मौका ही नहीं मिलिया सफाई करन दा। तैनू भी दे देंगे, बाकी बाई दी गल ठीक है। जिंदे वीर, तू ते सुखा जाके दरबार साहब दे दोषियां नूं सोधो बस, ते असी इत्थे पंजाब च सरकारी टट्टूआं नूं सोधांगे। आप बाहर मत बैठा करो, आपको मारने की धमकी मिली है। अरे ऐसी धमकियां तो मिलती रहती हैं, कहां पंजाब और कहां पूना, उनका तो भगवान भी मुझे यहां तक ढूंढ नहीं सकता। जनरल वैद्य गर्मी है? हाँ हाँ घर पे है। मिलना था उनसे। साहब तो शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं। शॉपिंग? हाँ चल आगे चल साला कुतरिया। ठीक है ठीक है ना? जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, समझते नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठा के। तो आपने शॉपिंग क्या करनी है? पर हम जाएंगे कहाँ? चलो देखते हैं फिर। चलो आओ। ले भाई आओ, बह गया कंजर गड्डी च, ते हुणे चलिया शॉपिंग करना। इन्हें सलने साढ़े दरबार साहब ते टैंक चढ़ाए सी ना, अज कराने इहदी शॉपिंग। चल चलिए। बोले सोनिहाल सात श्री अकाल। रामा चल रही ठीक हो? पकड़ो इनको। चलो कौन हो तुम? मालूम नहीं। ये खतरनाक हथियार कहां से आए? मालूम नहीं। मालूम नहीं, मालूम तो एक मिनट में करवा लेंगे साले। बोलो तो करवा लो। बोल साले, कहां से आए हो तुम लोग और ये हथियार कहां से आए? बोल बोल, मैंने कहा साले। मैंने कहा ना मालूम नहीं। ऐसे नहीं मानेगा तू साले, देख तू तेरा क्या हाल करता हूं। मैं करूं। थक गया, आराम कर ले। बात सुन पासा, मुझे सब मालूम है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अच्छा तेरे तो बड़े भी बताएंगे साले। हंस रहा है साले, हंस रहा है।
साले आप भी हंस रहा है तू? जब पानी लेके आ। जी जनाब। पानी लो सर। करंट लगाओ साले को। बोल साले, अभी नहीं बोलेगा? और टॉर्चर करो साले को। साथी ने सब कुछ बता दिया, तू भी बता दे, तू क्यों मार खाता है साले? मैं नहीं बताऊंगा। अरे तेरा तो बाप भी बताएगा। लगता है कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। वीरो, जिहड़ा काम तुसी मैनूं सौंपिया सी उहदा हल हो गया। बैंक मैं लभ लिया ते एक महीना रेकी करन तो बाद मैं आ मैप तैयार कीता है जिहदे सिर ते असीं कल जाके सरकारी खजाना लुटांगे। ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਰ ਰੂਮ 'ਚ ਨੇ ਸਰ। ਰੂਮ 'ਚ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਪੜਾ ਰਾਂ। ਚੱਲ ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਸਰ ਹੌਲਦਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਆ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ? ਆਓ ਬਈ। ਬੈਠੋ ਓਏ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੇ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੈਲੋ ਛੋਟੂ, ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਕੱਪ। जलेबियां तेन हलवाई लगदा, एह जे लड्डू खवाऊ ना चब होने ने थुक होने ने। आली पिंड जी, चाह बना। रुक जाओ, कोई चाह नहीं बनाएगा, तू इत कर दो। भाई तलब जी लगे जी चाह दी माड़ी। तेरी तलब मैं अंदर जाके खत्म कर दा। चल अंदर, अंदर जाके आप टेढ़ा मेढ़ा जाओ। ही चंगा भाई, जद बंदा ही है जे बना के भेजे हुन देखो। मैं सीबीआई तो हां। हां जी, तो जेड़ी अंदर पुलिस गई है ना? हां जी, वो साडी है। हां जी, सानू पता लग्या कि बैंक च बहुत वड्डा फ्रॉड होया। हां जी, जेड़ा करूगा सो भरूगा। सही गल, सही गल। हुन इत्थे कोई चाचू नहीं बनेगी। हां ठीक है, अपना जेड़ा दुर्जा हैगा चुक के अंदर तर। बैठो। वेखो, तुहानू घबराउण दी बिल्कुल कोई लोड़ नहीं। असी तुहाडे अपने ही वीर भरा, असी जो कुछ भी कर रहे हैं तुहाडे हक्कां लई कर रहे हैं।
बाबा एक मिनट अंदर की है? अंदर पुलिस जी गड़बड़ लगती है। नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, आप चलते हैं अंदर। ओ नहीं नहीं जी गड़बड़, अंदर नहीं जाता। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं भेज दा इनू अंदर। जी तुहानू सारे नू पता लग ही गया होना कि असी कौन ते इत्थे की करन आए हैं। देखो साड़ी तुहाडे सारे नाल कोई दुश्मनी नहीं है, साड़ी लड़ाई सरकार दे नाल है, ते असी अपने कौमी कारजां वास्ते सरकार दा पैसा लैन आए हैं। तरसेम सर, ये सब की हो रहा है? सर, सर कस्टमर थाले मैं दसना की हो रहा है? सिक्योरिटी किथे है? गार्ड पुत्त, मैं गुरुद्वारे आई हूं हुणे, लो प्रसाद, परमात्मा थोड़ी मनोकामना पूरी करे। बड़े आराम नाल बैठो मैनेजर साहब। ए तुसी बहुत गलत कर रहे हो। तुसी हो कैशियर साहब? हां जी दसो जी। पैसे कढ़ाने सी जी अकाउंट चो? ना पैसे मैं अपनी जेब चो कढ़ के देने सी। एक तो मैनू तुहाडे लोकां दी समझ नहीं आउंदी। देना पहला मैनू अपनी थां ते बैलन दे। बस आही देखना सी भाई, सरकारी मुलाजम। की मतलब? कुर्सी ते बह के ते रोज ही पैसे कढ़ना है, अज तेरी जेब चो पैसे कढ़ाने ने। मैनेजर साहब चाबियां दिओ। जिन्ना चिर मैं ना कहां इत्थे उठियो ना। चाबी तो आ गई अपने कोल। आ चक दूजी खोल। जल्दी कर। ओए सरकारी मुलाजम चले तेरा, आप आ जल्दी। चल चल तू भी चल। जल्दी आजा आजा मेरा वीर। वो आजा, आजा तू ही आजा। आओ परो इनू, बोरी नू परो। ठीक है बार हो गया मोर्चा फतेह। चलो चलो चलो, बारी बारी लाओ छेती जे, जल्दी लाओ। चल भी चल अंदर। तुसी ठहरो बीबा। बीबी तुसी इत्थे बैठो, तुसी भी रुको। आओ भाई। चलो भाई। पाजी साड़ी हेल्प करो। दसो पाजी, असी अपनी ड्यूटी तो थोड़ा जा भी लेट हो जाइए ता साडा मैनेजर सानू चंगा मंदा बोलता है। प्लीज ओना नु कुछ कह के जाओ। गल सुनो टिडला, आ सारा बैंक जड़ा ना तेरे परिवार वर्ग है, इना दी इज्जत करना सिख, खासकर कुड़ियां दी। नहीं ता देख ली गलती होगी पाजी, अगे तो कदे नहीं हो। बुलाया थे इतने ही यार।
आजो सालो जो दम में ते मरो गोली तोड़ा प्यो जिंदा खड़ा है के मार साले को गोली फड़ाओ जिंदे नू फड़िया गिद्दर साले कल शेर नू फड़ जाओ जाओ ले जाओ उसको ले जाओ बांदोस साले को हाथ में बंदूक क्या आ गई अपने आप को खुदा समझने लग गया तेरी भेड़ दी साले गिदड़ो हुण अपने आप नूं शेर बांधे हो पहले अपने प्यो दा नां सुन के तुहाडा पेशाब निकलता सी पता नहीं साले किस मिट्टी के बने हुए हैं कौन सी ताकत काम करती है इनके पीछे कैसा लगा मजा आ रहा है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कर और कर कुत्ता कर तू तो हमारी प्रमोशन है मारा स्टार है क्या मजा मुझे दे जख्मों पे मरम चाहिए मरम चाहिए जख्मों पे ये ले मरम चाहिए जख्मों पे ये ले थोड़ी मिर्ची डाल देते हैं और फायदा हो जाएगा मुझे ना मेरी बेबी याद आ गई वो भी बड़ी मिर्चे डालती थी वो भी बड़ी मिर्चे डालती थी सब्जी में लगता है अब कुछ बताएगा इधर हाँ बोल बता और नीचे बोले सो निहाल सात श्री अकाल सब बताया इसने कुछ नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं बताया ये बताएगा भी नहीं खोलो इसको तुम लोग बाहर जाओ जिंदा तुम बता क्यों नहीं देते इतनी तकलीफ झेलते हो कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पीछे काम कर रही है वाहिगुरु की कृपा और गुरबाणी का सिमरन क्या हाल है जिंदा हमारी मानो तो टांगे कटवा दो अगर जहर शरीर में फैल गया ना तो मर जाओगे मरने से कौन डरता है इंस्पेक्टर साहब मरने की बात करते हैं मैं तो नहीं डरता मुझे लगता है आप बहुत डरते हो मरने से कैसे पुलिस के सामने दगड़ दगड़ भाग रहा था घोड़े की तरह अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे सोच को भागने के लिए टांगों की जरूरत नहीं
दिमाग की जरूरत होती है वो जिंदे के पास बहुत है। देखो जी, आपके अभी ये दोनों कदम तो काट दिए जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि उसके बाद आप चलोगे कैसे? सारी जिंदगी ऐसे ही बिस्तर पर आराम से पड़ा रहेगा। सालो, टांगों की बात करते हो? हमारे शहीद तो सिर कटवा के लड़ते आए हैं, टांगे क्या चीज है? सलाम डॉक्टर। हेलो यंग मैन, अब क्या हाल है? मिल्खा सिंह की तरह महसूस कर रहा हूं, दौड़ने के लिए तैयार। ब्रेव यंग मैन। डॉक्टर साहब, इसने हमें बड़ा परेशान किया, यह बहुत बड़ा क्रिमिनल है। आप ऐसा करो, इसकी दोनों टांगे काट दो। शट अप। डॉक्टर का काम जिंदगी देना है, लेना नहीं। अरे डॉक्टर साहब समझो, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, मैंने जो करना है अपनी मर्जी से करना है। तुम निकलो। समझाने का कोई फायदा ना। हाँ हाँ ठीक है, चले जाते हैं। जिंदा तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मारी परमोशन। सलाम। ओमनाटेक्स, मॉक्सी, ठीक है, एग्मेटोन। ओके सर। डोंट वरी यंग मैन, मैंने सब चेक कर लिया, मैं तुमको पूरी तरह ठीक करके ही भेजूंगा। जी सर। ए, हटो, कौन है तुम लोग? हटो, हटाओ ट्रैक्टर। कौन हो तुम? इसे हटाओ रास्ते से। साले शगन पाके हुन जवाइयां नूं नहीं पछाण दी। ए, क्या बकवास कर रहे हो? पकड़ो इन सबको।
भाई निर्मल, मैं कई बारी सोचता कि मैं वैद्य वाला केस अपने सिर ते ले लां। केस मेरे सिर ते पैजू ते मैनू सजा होजू ते जिंदा बरी होजू, क्योंकि जिंदे वर्गे योद्धियां दी अपनी कौम नू लोड़ है, नाले किसे ना किसे नू तां कुर्बानी देनी पऊगी। नहीं भाई, मैं भी तेरे नाल अपना केस कबूल करांगा। नहीं नहीं निर्मल, नहीं, तू बाहर रहेगा। तैनू तां पता है कि मैं अपने मां प्यो दा कल्ला कल्ला पुत्त हां। तू मेरे नाल एक वादा कर कि मेरे मां प्यो दी सुखा बन के सेवा करेगा। हां भाई, मैं तेरे नाल वादा करदा, मैं तेरे मां प्यो दी सेवा करांगा, पर मैं सुखा नहीं बन सकता। सुप्रिटेंडेंट साहब, ये है नया कैदी हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा। बोले सो निहाल। ए, जिंदे दी आवाज है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ओ केड़ा है मेरा वीर? ओ वीर सुखे? हां हां वीर जिंदे, मैं आ। और नजारा ही आ गया। ओए बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ओ की हाल है मेरे वीर सुखे दा? वधिया वीर जिंदे, तू दस किवें आ? ओ मौजा मान दे, चढ़दी कलां चा वीरे। ओ निर्मल भाई भी नाल आ? हां हां वीर, मैं भी इत्थे ही आ। ओए हाय हाय हाय, नजारा दवाता। ओए हां ओ मैं भी आ गया थोड़े कोल वीरो, हुण कठे होके गा पावांगे। लेके चले उसको अंदर। चलो लेके चलो इनको अंदर। ओ बां छाड़ो। ए भाइयों, हमको राहत मिली है। हां भैया, ये जेलर और उसके चमचे हमें बहुत परेशान करते थे। जेलर की ऐसी की तैसी, पतिसी निकाल के हाथ में पकड़ा दूंगा। और ये भी उसी सरकार का नुमाइंदा है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई जिंदा आ गया, अब छाती ठोक के बात किया करो उससे। भैया आप पंजाबी लोग तो सचमुच शेर होते हो, आपके आते ही जेलर भीगी बिल्ली बन गया। ओ अभी तो उसने शेर की दहाड़ सुनी है, जिस दिन सामना हो गया ना, देखते रह जाओगे। ओए आ, ओए मेरे वीरा। ओए लग जा ओए गले। मेरा वीर। मिलिया नू जुगड़े बीत गए भाई। ओ तू चंगी कीती यार मेरे नाल है, कल्ला ही नानके आ गया, भूल गया सी भरा नू। ओए ना 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 जिंदे जी, आए ना कह। ओए तैनू कि मैं भूल सकदा? मैं तू ता मेरी रूह है, रूह ते तेरे बिना ए हड्डियां दा पुत किस काम दा यार। यार याद तो मैनू भी तेरी आई, वेख ले आ गया तेरे को इत्थे। बहुत वधिया कीता। चलो ऐसी दिल लगी कराऊंगा कि दिल की सब बातें भूल जाओगे। और चुप कर, समझदार आदमी शेर के मुंह में हाथ नहीं डालता, शेर खा जाता है। चुप। ए, लगाओ इनको हथकड़ी और ले चलो।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड, यह हरजिंदर सिंह, सुखदेव सिंह और निर्मल सिंह, इन तीनों ने किसी साजिश के तहत एक रिटायर्ड जनरल वैद्य की हत्या की है। वारदात में शामिल मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद कर लिया है सर। मिलोर्ड, 170 गवाह और उनके निजी गनमैन ने इनके खिलाफ गवाही दी है। मेरी अदालत से बेनती है सर कि इनको आईपीसी की धारा 302, 452, 120 बी और 34 के तहत फांसी की सजा दी जाए सर। पुलिस की ओर से पेश किए गए तमाम 170 गवाहों के बयानात को गौर से सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सारे के सारे गवाह पुलिस ने झूठे पेश किए हैं। इनकी बिना पे किसी को फांसी की या कोई दूसरी सजा नहीं दी जा सकती, इसलिए ये अदालत। रुकिए जज साहब, क्यों वकील है? 170 गवाह खड़े करके भी शेरों को जेल में बंद नहीं कर सके ना। अब हम बताते हैं शहादत किसे कहते हैं। आप लोग हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब आप करके देख चुके हो। हम लोग सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा जमीर ये इजाजत नहीं देता कि हम आपको झूठ बोलें। और आज हम आपको ये सच बताते हैं कि वैद्य का कत्ल हम लोगों ने किया है। 3 गोलियां दागी थी उसके सीने में मैंने, 3, और 2 गोली मैंने दागी उस साले के सीने में। हमने अपने अकाल तख्त का बदला लेना था और ले लिया। और यह रहा हमारा बयान कि हमने उस वैद्य को मारा है। जज साहब, हमें जीने का कोई शौक नहीं। हमने जो कुछ किया अपने देश अपनी कौम के लिए किया और हमें गर्व है उस पे। हमें जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाई जाए ताकि हम ये शहीदी जाम पी सकें और हमारे बाद और सुखा और जिंदा इस सच्चाई की लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। इस मुकदमे की कार्रवाई 19 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। वाहिगुरु जी की फतेह। बेबे, जद भी तेनू देखदा ना ऐदा लगदा जिदा रब दे दर्शन हो गए। पुत्तर, मैं भी तेरी आवाज सुनने लई तरसी पई सी। उन्होंने बहुत तसीहे दते होंगे पुत्तर, बहुत तकलीफ हुई होगी। नहीं नहीं मां, बब्बर शेर जम्मे ने तुसी। शेरां नू कदी दर्द हुंदी है, है? नाले मां, जदों वाहिगुरु दी कृपा होवे ते मापिआं दा आशीर्वाद सिर ते होवे ना, फिर तां तत्ती वाह वी नहीं लगदी। ओ छड्डो इन्हां गल्लां नू, होर सुनाओ बापू जी, की हाल चाल है थोड़ा? ओए बापू नू की होना, जिंदे नू पुलिस फड़न लई कई वारी छापे मारदी आई आ, पर आपां किहड़ा राह दित्ता। जे किते फड़ के भी लै गई आ तां पुत्रो तुहाडे बहादुरी दे चर्चे ही इन्ने आ कि डरदी कुछ नहीं आंदी। वीरे, तुसीं जिंदगी च हुण तक भी जो कीता है, जो संघर्ष कीता है, उस नू लिखो तां कि सानू पता चल सके कि तुहाडे नाल की बीतिया है। हां भैण, गल तां तेरी ठीक है, असी भी इस ते विचार कीता, नाले लिखना भी शुरू करता है ताकि सारी दुनिया नू पता लग सके जो कुछ भी असी कौम वास्ते कीता है। असी गुरु घर दी बेअदबी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते पुत्र, तुसी वैद्य वाला केस कबूल कर लो। आ होए ना मेरी मां। तुसी साडा इरादा होर भी पक्का करता, क्यों सुखे? ए मनुखा जन्म तां दोबारा भी मिल सकता है, पर कौम ते कुर्बान होने लई कदे कदे ही मौका मिलता है पुत्रो। बापू जी, मां ने गल कह के ते पहले ही साडा इरादा पक्का करता, पर तुहानू एक गल दसा, इत्थे सानू खरीदन दी भी बहुत कोशिश की गई है। जे किते साडे कोल हथियार होंदे ना ते इत्थे इन्हां नू भी सोध देंदे, क्यों सुखे? बिल्कुल। सानू मान है पुत्र तेरे ते। चंगा, हुण असीं चलदे आ। ला फिर चकारा। बोले
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदे वीर, अकाल पुरख ने बाबा दीप सिंह तो पहला नाम जपाया ते फिर खंडा चलवाया, पर सुखे वीर साढ़े तो ते पहला रब ने खंडा चलवाया ते फिर नाम जपन की ड्यूटी लाई है। जिंदे कहन नूं तां भावें जेल है पर मैनू किसी गुरुद्वारे तो घट नहीं लगती। मैनू लगता जिवें इत्थे हर कैदी एकांत अवस्था विच अपने अपने धर्म के अनुसार नाम सिमरन करता है। इत्थे गल तां तेरी ठीक है सुखे भाई, नाले बाबा ठाकुर सिंह दी लाई हुई सेवा विच असी हर रोज़ 9 बार सुखमणी साहब, 11 बार जपजी साहब ते 21 बार चौपाई साहब का पाठ करते हैं, फिर भी सुखे वीर किसी चीज़ की कमी महसूस होंदी है। कोई गल नहीं, एक कमी भी वाहिगुरु छेती पूरी कर दू। बस पुत, तेनू वेख के मेरे कलेजे नूं ठंड पै जांदी है। माफ करियो बापू जी, मैं थोड़ियां उम्मीदां ते खरा नहीं उतर सकिया। साडियां केड़ियां उम्मीदां रह गईयां पुत, तुसीं तां ओह तों वध के कीता। तो छड्डो बापू जी, होर दसो तुहाडे खेतां दा की हाल है, खेतीबाड़ी किदां चलदी है? मेरी खेतीबाड़ी तां तुसीं हो पुत्रो, थोनूं लहराउंदे नूं देख के ना मेरा मन गदगद हो जांदा। ओ तू भी कुछ बोल मां, चंगा ऐ दस भैणां दा की हाल है? ओ कमलीए तां एवें रोंदियां रहिंदियां पुत, मैं तां बथेरा समझाउंदी उहनां नूं कि थोनूं तां अपने वीर ते माण होना चाहीदा, थोड़ा वीर तां कौम दा हीरा बन गया। हीरा तो मेरा शेर पुत्र हां, शेर पुत्र। जे तू शेर पुत जम्मिया है ना मां, तां शेरां दियां मावां दियां अखां चंजू चंगे नहीं लगदे मां। खुश रहा कर, नाले बापू जी तुसी जिंदे वीर दे परिवार नाल मिलके चलना, जो भी सलाह मशवरा करना, जो भी फैसला लेना दोवां परिवारां ने मिलके लेना। हां हां, तू पिछे दा फिक्र ना कर पुत, असीं राजी खुशी रहांगे। चंगा मां, बापू जी चढ़दी कला च रहना ते खुश रहना। ठीक है पुत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलोर्ड, यह केस माननीय जनरल वैद्य के मर्डर का है, और ये तीनों हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा, सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और निर्मल सिंह के जुर्म का खुलासा तो पहले हो चुका है। ये कवालिया बयान भी रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। मिलोर्ड, सीबीआई की तरफ से सिफारिश की गई है कि इन पर टाडा के तहत मुकदमा चलाया जाए। टाडा किसके लिए? इन्होंने कोई आतंकवादी या देशद्रोह की कार्रवाई नहीं की, यह एक सीधा साधा मर्डर का मामला है। मैं इसमें टाडा के तहत मुकदमे की इजाजत नहीं दे सकता। हाँ मिलोर्ड, इन्होंने जनरल वैद्य का मर्डर किया है, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमने किसी निर्दोष को नहीं मारा, उसने हमारे धार्मिक स्थान पर हमला किया, हजारों बेगुनाह लोगों को मार डाला, वो निर्दोष था? वो तो देश की सुरक्षा के लिए किया था। ये सही है वकील, हम अपने हक के लिए हथियार उठाएं तो हम उग्रवादी, और कोई हमारे खिलाफ हथियार उठाए तो वो देशभक्ति। तुम्हारे कहने का मतलब हथियार उठाओ और लोगों को मार डालो, ये अदालतें किस लिए बनी है? हमने हथियार उठाए तो हम आतंकवादी, हाँ
मानता हूं मैं आतंकवादी हूं, ये आतंकवादी है, आप आतंकवादी हो और यहां पर बैठा हर इंसान आतंकवादी है, लेकिन हमारे शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब पर गोलियां चलाई गई, क्या वो आतंकवादी थे? तब कहां था आप लोगों का इंसाफ? इस अदालत में लोग इंसाफ मांगते मांगते रब की अदालत में चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तब हम जैसे लोगों को इंसाफ करने के लिए खुद हथियार उठाना पड़ता है। जज साहब, जब यहां किसी की कोई अपील नहीं सुनता, कोई दलील नहीं सुनता और चार पैसे के लिए ये आपके वकील कानून बेच देते हैं, तब हमें हथियार उठाना पड़ता है और हमने ऐसा ही किया। हमारे दसम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, चूंकि रजमा हिलते दर गुजस्त हलाल अस्त बुर्दन बाशमशीर दस्त, कि जब इंसाफ के लिए हर दरवाजा बंद हो जाए तो इंसान को खुद हथियार उठा लेना चाहिए। जज साहब, जनरल वैद्य ने हमारे हरमंदिर साहब की पवित्रता भंग की है। जिस जगह पे हम सिर ढक के जाते हैं वहां जूते लेके घुसा, वो पूरी फौज को लेके गया, हमारे अकाल तख्त पर टैंकों से हमला किया, हजारों की गिनती में निर्दोष श्रद्धालु मारे गए। अरे माए बच्चे जो वहां पे माथा टेकने आए थे वो भी उग्रवादी थे। हमने वहां पे खून देखा है जज साहब, खून परिक्रमा में, और उस खून को देख के हमारी आंखों में खून उतर आया है। इस केस का फैसला एक घंटे के लिए मुलतवी किया जाता है। मैं आपकी बात समझ सकता हूं, आपकी भावनाओं की कदर भी करता हूं, लेकिन कानून तो कानून है, उसे अपना काम करना होता है। अगर आप चाहें तो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं। जज साहब, हम आपको बता चुके हैं कि हमने हथियार क्यों उठाए, वरना हमारा दिल भी करता है कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें, अपने खेतों में हल चलाएं, अपनी मां के हाथ से बनी हुई रोटियां खाएं, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने हमारे हाथ में हथियार पकड़ा दिए। जज साहब, हम मौत से नहीं डरते और ना ही हम कोई अपील करना चाहते हैं। आपको जो फैसला सुनाना है सुना लीजिए जज साहब, हम तैयार हैं। निर्मल सिंह, आपके खिलाफ ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि आप जनरल वैद्य के मर्डर में शामिल हैं, इसलिए यह अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है और सुखदेव सिंह उर्फ सुखा और हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा, आपने मजिस्ट्रेट से तस्दीकशुदा बयान तो दिया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत आपको फांसी की सजा देती है। अरे शाबाश, खुश करता ही है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। शाबाश मेरे पुत्र, तुसी जिंदगी दे इम्तिहान विच पास हो गए, तुसी सिख कौम दी इज्जत रख ली। शाबाश पुत्र, अज तू अपनी मां दे दुध दा मुल मोड़ता, मैनू मान अपने पुत्र ते। मेरे ओ शेरो,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ। ये लो, आलो भी लो, लड्डू खाओ। लो। लगता है इन लोगों की सजा माफ हो गई, इसीलिए मिठाई बांट रहे हैं। खाओ खाओ। तो हमारी सजा माफ नहीं हुई, हमें शहादत मिली है, शहादत। और हमें फांसी का फंदा चूमने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बेबे तेनू एक खुशखबरी दा, तू कहिंदी हुंदी सी ना कि नूं लैके आ, नूं लैके आ। लै फिर तेरे दोनों पुत्रां दे रिश्ते पक्के हो गए ने, नूहां परियां वर्गियां ने, ते व्याह दी तरीक वी इक्को ही आ। ते कल नूं अमृत वेले दोवें वीरां ने फांसी दे रस्से चुम के तेरियां सोहणियां सोहणियां नूहां लैके आउणियां ने। हाँ जिंद, असी भी सुरमा पवाई लेनी है। बेबे मेरी एक गल मनेगी, मेरी पापिया नु ना सोहना जा सूट जरूर लेके दे, ते जेड़े साडे नाल दे वीर बाहर ने उन्हां नु एक एक सोहनी सोहनी दस्तार लेके दियो। हाँ पुत्र, तेरिया सारिया पापिया नु, तेरे भरावां नु, सब नु सूट लै दो, तेरे दोस्तां नु भी सूट लै दो। होर दस, बाकिया नु ते बहुत कुछ देता है, अपनी भैन नु किवें भुल्लां। ले भैन, आ तेरे वीर वालों, हमेशा अपने कोल रखी, तेरे नाल ही रहांगा। ठीक है वीर, लगता है मेरे वीर थक जे गए। हाँ भैन, थोड़ा जा थक गया, पर हुण तां अगे जाके आराम ही आराम करना है असीं। गल सुन भैन, कल सवेरे अख च अथरू नहीं आने चाहिए। नहीं आउणगे। आउणगे? नहीं आउणगे। आवेख आ गए हुण? नहीं आए। ते जे कोई पुछेगा ना, यही कहना है, ये तो प्यार दे हंजू ने। रोना नहीं। मैं रब अगे अरदास कीती है वीरे, कि मेरे वीरां दे रोम रोम विचों सतनाम वाहिगुरु दी आवाज आवे। बापू जी, तुसी सारयां नूं हिम्मत देनी है, डोलना नहीं। हाँ हाँ पुत, अहीं जकारे छड्डांगे, तुसी फिकर ना करो। वीर जिंदे, हौसला रख, हौसला। बेबे तेनू की होया? ओ वेख बापू किन्ना खुश है, सारे खुश ने, तू बड़ी चुप खड़ी है। पुत्र नेरे तक करना आवे तम्मा दे कालजे च हौल पै जांदा। तेनू तो मैं इस जन्म च दोबारा नहीं मिलना। ना बेबे ना, एदा ना बोल। मैं समझदा कि पुत दा दुख बहुत वड्डा हुंदा है, पर तू फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, कल एक भी अथरू नहीं आना चाहिए अख विच, छाती ठोक के बोले सो निहाल बुलाना है, हैं? जदों भी तू अपनी अखा बंद करेंगी ना, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, उदा ही जिवें तेरी गोदी च खेड़दा सी छोटे हुंदे, याद है? वीरे, कल थानू मौत आ जानी है। भैन, मैनू तां इदां लगदा है जिदा मौत साडे अगे अगे भजदी है, डरदी है साडे तों। ओए ओ मौत नहीं, ओ तां मथरा है। सच्ची मुच्ची। बोले सो रहाल, सत्रियाकाल। मां, कल नूं तुसी साडे व्याह दे सारे शगन करने ने, देखियो कोई ख्वाहिश दिल च बाकी नहीं रहनी चाहीदी। जरूर पुत, सारे शगन करांगे, लड्डू भी वंडांगे, गिद्धा भी पावांगे,
असी घोड़ियां भी गावांगे वीर। पुत्रो जेड़ा तुसी अखां दान करन बारे सानू चिट्ठी लिखी सी ना, ओह बाबा ठाकर सिंह नूं असी पुछ लिया सी। उन्होंने कहा सुखे जिंदे नूं अखां दान करन दी कोई लोड़ नहीं, उन्होंने तो पहले ही शरीर दान करता, कौम दे लेखे लाता। ठीक है बापू जी, हुण कौम दा कर्ज लाण च कुछ ही घंटे बाकी रह गए ने, बस तुसी मन नूं तकड़ा रखना ते बस पाठ करना। हाँ पुत, असी ते चाह च सोना ही नहीं, बस पाठ ही करी जाना है। पुत तुसी अपनी आखरी मंजिल वल जांदियां जकारे गजायो ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਇੰਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਗੂੰਜ ਉੱਠੂਗੀ, ਬੁਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ सुबह हो गई। हम तो कब से इंतजार कर रहे थे जेलर साहब आपका, आप ही लेट आए हैं। उठो चलो चलो। चल सुखे छड़ फिर जकारा। कोई वैरी दा अग वांगू तक दे चेहरे करे अंबर सलामारी होए, करे अंबर सलामानी तरत कंबदी पैरों थले पुत बाजा वाले दे लाड़ी मौत व्यावन चले पुत बाजा ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।